कंबोज के युवराज, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? दया करके। राजन, मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, पत्नी के होते हुए मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। मालव के राजकुमार, मैं अविवाहित हूँ, किंतु ब्याह के लिए पिताजी ने आज्ञा नहीं दी है, मैं केवल स्वयंवर देखने आया हूँ। मगध राज के प्रजापति, आप तो शूरवीर हैं, आगे आइए। अस्वस्थ होने के कारण यज्ञ में भाग न ले सकूंगा, मैं तो विजयी वर को आशीर्वाद देने आया हूँ। नर किन्नर यक्ष गंधर्व गरुड़ और राक्षस जातियों के वीर आज अपने प्रयत्न में असफल हो गए, ऐसा लगता है ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। आज तक जिसे मैंने कठिन काम समझा था, अब वह असंभव हो गया। इस जगत में इस धनुष को उठा पाने वाला कोई बलवान नहीं है क्या? है। असाध्य को साध्य बनाने वाला वीरों का वीर, त्रिभुवन विजेता, अष्टदिक पालों का अधिनायक, महाशक्तिवान शिर से वर पाने वाला, पंचभूतों का गर्व तोड़ने वाला ये रावण है। अपने भक्तों के बीच बैठे हुए नंदीश्वर और विघ्नेश्वर से सेवाएं लेते हुए कैलाश पति को कैलाश पर्वत सहित हिलाने वाले रावण ब्रह्म के लिए ये पुराना धनुष क्या चीज है? अहंकार है, शिव का अनादर मर जाएगा, कैसे मरेगा?
इस पीड़ा से मरना ही अच्छा है। वो तप करके मृत्यु को जीत चुका है। तो मरने के लिए उसे फिर तप करना पड़ेगा। रामचंद्र की जय हो। सूर्यवंशी रामचंद्र की जय हो। दशरथ नंदन।